नमस्कार, आप देख रहे हैं नाइन तक बिहार और मैं हूं रोज अहमद। जिलाधिकारी सिवान एवं पुलिस अधीक्षक सिवान के द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों एवं संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च करते हुए विभिन्न पूजा पंडालों का सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से किए जा रहे तैयारियों का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि जिला प्राधिकारी सिवान एवं पुलिस अधीक्षक सिवान के द्वारा संयुक्त रूप से शहर के प्रमुख मार्गों पर फ्लैग मार्च किया गया है। सिवान के शहरी क्षेत्र में दुर्गा पूजा के अवसर पर बंद है विभिन्न पूजा पंडालों का सुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण भी किया गया है। निरीक्षण के क्रम में पूजा पंडाल से संबंधित आयोजनकर्ता व पूजा समिति से वार्ता कर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से किए जा रहे तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी ली गई है और पंडाल निर्माण के क्रम में कैसे सुरक्षा हो और सुधार कैसे हो इसके भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि पूजा में भ्रमण के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिला प्राधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता और सिवान एसपी जो अमितेश कुमार हैं, लगातार इन लोगों ने शहरी क्षेत्र में पूजा पंडाल जो बन रहा है उसका निरीक्षण किया है और कई निर्देश भी दिए गए हैं। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं सिवान शहर से। जो लोग खबर देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं, धन्यवाद।